नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत सचिन पायलट से। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। माना जा रहा कि सचिन पायलट को राजस्थान में बड़ी जगह तो मिल सकती है, लेकिन वहीं बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे की नजदीकियां अब कांग्रेस की तरफ बढ़ने लगी है। जिस तरह से सचिन पायलट की तरफ वसुंधरा राजे की नजदीकियां बढ़ रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि राजस्थान में बहुत बड़ा खेला कांग्रेस करने की तैयारी में, क्योंकि राजस्थान की जनता सचिन पायलट पर भरोसा कर रही है और कांग्रेस भी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद के लिए खड़ा कर सकती है। ऐसे में बीजेपी के कई अगर नेता कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लेते हैं तो राजस्थान में बीजेपी बहुत बड़े हद तक कमजोर होती नजर आएगी। अब देखना होगा कि सचिन पायलट जो रणनीति अपना रहे क्या उसका फायदा मिल पाएगा। हालांकि इन सबके बीच ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की पकड़ राजस्थान में लगातार मजबूत होती नजर आ रही है। तो वहीं गहलोत खेमे में इस वक्त हलचल दिख रही है। गहलोत खेमे में हलचल इसलिए क्योंकि अशोक गहलोत को पीछे रखा जा रहा है और अभी हाल ही में सचिन पायलट ने गहलोत के बेटे को लेकर कई बड़े खुलासे भी किए थे। ऐसे में राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सियासी लड़ाई देखने को मिल रही है, जिसमें जीत सचिन पायलट की हो रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक ले जा दीजिए नमस्कार।